नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, अगर आप लोग का अकाउंट किसी भी बैंक में है तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा एंड तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को चैनल पसंद आया तो चैनल को एक सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने करीब 10 बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है और यह प्रक्रिया लगभग 2020 तक पूरी हो जानी है। तो दोस्तों, इसी के विरोध में बैंक कर्मचारियों के साथ ही बैंक यूनियन ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये न्यूज़ बता दूँ कि करीब 26 सितम्बर और 27 सितम्बर को बैंक कर्मचारियों के हड़ताल के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद फिर पड़ेगा सैटरडे है, वो फोर्थ सैटरडे है, तो उस दिन बैंक बंद ही रहेगा। उसके बाद फिर पड़ेगा संडे है, तो उस दिन ऑटोमेटिक संडे होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। तो लगभग 4 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई भी बैंक में काम पड़ रहा हो, अगर आप लोगों ने सोच रखा है कि 26 या फिर 27 को करवा लें, तो फिर उस काम को आप लोग जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए। क्योंकि दोस्तों, बैंक यूनियन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो फिर वो नवंबर के महीने में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप लोग का बैंक में कोई भविष्य में काम पड़ने वाला है तो आप लोग उसको अभी जल्दी से जल्दी 26 सितम्बर से पहले आप लोग उसको निपटा लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देनी थी, लेकिन जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि 26, 27 और 28 और 29 तारीख को बैंक बंद रहेंगे। 26 और 27 बैंक हड़ताल के कारण बंद रहेंगे, जबकि 28 को फोर्थ सैटरडे पड़ेगा और 29 को संडे के होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। और इसके बाद फिर नवंबर के महीने में बैंक वालों ने चेतावनी दी कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो भी बैंक में काम अभी तक नहीं किए हों या फिर भविष्य में करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको आप लोग जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जानने वाले, अपने सभी फैमिली के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।